जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका आज खितेश एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। तो दोस्तों, नवरात्र के इस पावन अवसर पे जो है हम लोग बढ़ते हैं तीसरी तिथि की तरफ। माता चंद्रघंटा का उस दिन जो है पावन पर्व है, उस दिन दिवस है उनका। माता चंद्रघंटा का जो नाम है वो उनके माथे पे अर्धचंद्र रूपी जो चंद्र विराजे हुए हैं, सुशोभित हैं, उनके कारण ये जो है उनको नाम पड़ा है सुंदर सा। और माता जो है सब प्रकार के जो है दुखों को, कलेशों को मिटाती हैं। खूब जो है मन लगा के जो है पूजन करिए, माता को सब प्रकार के भोग चढ़ाइए और दोस्तों सारे अपने कलेशों को, व्याधियों को दूर करिए। तो दोस्तों, इसके साथ ही माता को जो है एक विशेष प्रकार का जो है आपको भोग उस दिन लगाना है, माता चंद्रघंटा को अर्पित करना है तृतीय दिवस को। जो कि आपका जो इच्छा है आप भोग लगाइए, आपके पास जो क्षमता है आप माता को अर्पण करिए, करना भी चाहिए। अच्छे से अच्छा चीज़ जो है आप माता के को जो है अर्पण करिए। साथ में दोस्तों आपको एक विशेष भोग जो कि दूध है, दुग्ध, उनको अर्पण करना है, या दूध से बनी हुई कोई भी वस्तु जो है वो आप उनको अर्पण कर सकते हैं। मेवे की खीर, दूध की खीर, दूध की बर्फी, जो आपकी इच्छा हो, जो आपको सामर्थ्य जान पड़े, जो आपके पास अवेलेबल हो, आप माता को दूध से बनी हुई चीज़ जो है अर्पण करिए। इससे जो है आपके तीव्र किस्म के प्रकार के जो दुख हैं वो दूर होंगे। मैं उन दुखों की बात नहीं कर रहा हूँ जो नित्य प्रतिदिन लोगों को जो है सताते रहते हैं। हम लोगों को तो हर छोटी बातों में दुख हो जाता है, मैं उन दुखों की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ दुख होते हैं जो बड़े तीव्र होते हैं, जो चलते चले आ रहे होते हैं, जो मन को पीड़ा देते हैं, जो आम जनजीवन को प्रभावित करते हैं किसी मनुष्य के, ये उस तरीके के दुखों को दूर करता है। तो आप माता को जो है दूध से बनी हुई भोग वस्तु अवश्य चढ़ाएं उनसे, और प्रार्थना करें कि हमारे जो हैं दुख को दूर करिए माँ। जो भी आपके दुख हैं, जो आपको साल रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, वो आप ज़रूर उनसे कहिए और भोग लगाइए। और भोग लगाने के बाद आपको इसको दान करना है। दान आपको करना है किसी सांवली रंग की महिला, जिनका रंग थोड़ा सांवला हो, आप शादीशुदा महिला हो, आप उनको ये दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें जो हैं बड़े सम्मान से, बड़े प्रेम से भेंट दीजिए, दान करिए उनको, ताकि वो पाएँ। और पाने के बाद जो हैं आपके सारे दुख जो हैं आपको उनसे निवृत्ति मिले, आपको जो है उनसे मन ही मन जो है आप उनसे प्रार्थना करिए कि आपके सारे दुखों की जो है दूर हों, आपके सारे दुख या कलेश जो आपके मन को टीस पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, तो जो भोग लगाना है, भोग किसको देना है मैंने आपको बता दिया दोस्तों। अब बात करते हैं कि कौन सा ग्रह इस दिन तृतीय नवरात्र के तीसरे दिन के साथ जुड़ा है, माता चंद्रघंटा के साथ किस कौन सा ग्रह का संबंध है, कौन सा ग्रह समर्पित है माता के चरणों के साथ। तो वो हैं मंगल देव। जी हाँ, मंगल ग्रह। तो जिनकी भी वृश्चिक राशि है या वृश्चिक लगन है, मेष राशि है या मेष लगन है, या जिनकी पत्री में मंगल कमज़ोर है, या जिनको किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं मंगल को ऊर्जा को लेके, किसी भी प्रकार का वो राजयोगकारी ग्रह हैं उनकी पत्री में और वो बली नहीं है, वो अवश्य इस दिन से उनकी पूजा शुरू करें। जो मैं मंत्र आपको बताने जा रहा हूँ वो करें, जिससे कि उनका मंगल बलवान होगा, उनका लगन बलवान होगा, उनके अंदर तेज आएगा, ऊर्जा आएगी, उनके अंदर नई नव चेतना जागेगी, क्रोध हैं, दोष हैं उनके दूर होंगे, सब प्रकार के कष्ट कलेश उनके कटेंगे। लेकिन दोस्तों, मैंने पहले भी वीडियो में जो बताया है वो मैं फिर बता रहा हूँ, इस मंत्र को जो मैं बताने जा रहा हूँ उसके वो लोग बिल्कुल या कदापि ना करें जो मांस मदिरा का सेवन करते हों। जी हाँ, बिल्कुल वैसे भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हम लोगों के धर्म में जो है अलाउड नहीं है, ये किसी भी प्रकार से जो है हमारे वहाँ पे जो है इसको मान्यता नहीं है। ये राक्षसों के लिए बनी थी चीज़ें, तो ये असुरों के लिए बनी थी, तो इसलिए आप इसका जो है त्याग करिए। और जो ये मंत्र करना चाहते हैं वो बिल्कुल ये काम ना करें।
जो जनेऊ नहीं धारण किए हैं उनको भी ये मंत्र नहीं करना चाहिए। जो अपने घर में संध्या ना करते हों, उषा के समय पूजा ना करते हों, सवेरे की पूजा ना करते हों, उनको ये मंत्र नहीं करना चाहिए दोस्तों। उनके लिए मैं दूसरा मंत्र बताऊंगा। तो मंत्र वो लोग करें जो सात्विकता से करें, तो उनको सारे प्रकार के जो हैं लाभ मिलेंगे मंगल ग्रह से संबंधित। तो दोस्तों मंत्र है ओम अंगार का है विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमा प्रचोदयात। जी हाँ दोस्तों, फिर एक बार बोलता हूँ, ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमा प्रचोदयात। जी हाँ, ये मंत्र है, इसको आप मंगलवार से शुरू करके और फिर अपना जीवन पर्यंत करते रहिए, आपको सब प्रकार का मंगल ग्रह का जो है शुभ मिलेगा, उनसे सब तरीके की ऊर्जा मिलेगी, चेतना मिलेगी। दोस्तों जो ये लोग मंत्र नहीं कर सकते हैं उनके लिए दूसरा मंत्र है, जो इसी दिन से मंगलवार से ही शुरू करके तीसरे दिन से, नवरात्रि के तीसरे दिन से शुरू करके वो लाभ उठा सकते हैं अपने जीवन में। वो मंत्र है ओम अम अंगारकाय नमः, ओम अम अंगारकाय नमः। जी हाँ, ये मंत्र वो लोग कर सकते हैं जो पहले वाला मंत्र नहीं कर सकते। तो आशा है आप लोगों को जो है माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, मंगल ग्रह का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अच्छा दोस्तों, जय श्री कृष्ण।